वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पर ट्रिपल सेवन में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि लॉर्ड शिव आपको आने वाले मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनकी तरफ से क्या गिफ्ट्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। और जो ये रीडिंग होती हैं ये पेड होती हैं, तो आइए अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर आने वाले मंथ के लिए क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं और क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। सिक्स ऑफ ईयर का कार्ड है। थिंग्स आर लुकिंग अप, द एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टेकिंग अ ट्रिप। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है पहले ही कार्ड की। ये कार्ड बात करता है आपके लिए, आप किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं जहां पर आप पिछले काफी वक्त से फंसे हुए थे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में वो डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड हो रही हैं और आप कहीं ना कहीं आगे निकलने वाले हैं। वो सारी सिचुएशन जिनमें आप स्टक थे, जो कि आपको लगता था कभी चेंज नहीं होंगी, इस टाइम पीरियड में आप चूज करेंगे कि आपको यहाँ से निकलना है। और लॉर्ड शिवा आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, वो गाइडेंस देंगे, वो ब्लेसिंग्स देंगे, जिससे कि आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर अपने लिए शांति को, पीस को चूज कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ में एक बैलेंस जरूर लेकर आएगा। यानी कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको जो पहले ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपको किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं जहाँ पर आपके लिए कोई हैप्पीनेस नहीं थी, या फिर आपको लगता था कि आपका जो मानसिक जो आपकी स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, या फिर आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ एयर का यहाँ पे कार्ड है। तो आपकी सिचुएशन में ये जो कुछ भी चेंजेस होंगे आपके प्लान्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू करने में मदद करेंगे आपकी लाइफ का। यानी कि लॉर्ड शिवा चाहते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ में एक ऑनेस्ट रिव्यू करें, अपनी लाइफ को ऑनेस्टी से देखें, ईमानदारी से देखें कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या आपका लॉजिकल माइंड कह रहा है, क्या आपके पोटेंशियल हैं। यानी कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन को खुद भी अंत करने की तरफ सोचें जो कि आपके लिए दिक्कत कर रही है या फिर आपको परेशानी में डाल रही है। आपके जो भी प्लान्स हैं वो कहीं ना कहीं जो अभी तक नहीं आप बना पा रहे थे या बनते बनते छूट रहे थे, वो बनने वाले हैं। और उससे आप कहीं ना कहीं उन प्लान्स को आप बनाकर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे जिसमें कि आप पिछले काफी समय से फंसे हुए थे और आप अपनी सिचुएशन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। थोड़ा सा चैलेंजिंग ही आपके लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी या चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी उसमें आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। नाइन ऑफ एयर का कार्ड है। आपके लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चेंज हो रही है जिसमें कि आप सिर्फ अपने लिए बुरा ही सोचते थे, आप अपने लिए सिर्फ बुरा ही बोलते थे और बुरा ही कहीं ना कहीं अपने साथ करते भी थे। आपकी जो रातों की नींदें खराब हो रखी हैं वो कहीं ना कहीं सही हो जाएंगी और आपकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं चेंज होगा। यानी कि जिन लोगों ने भी पाइल ए चुना है, अगर आप खुद देखिए तीनों ही कार्ड एयर के हैं। यानी कि ये कार्ड बात करते हैं सोर्ड कार्ड की एनर्जी। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें मेंटल ट्रॉलिंग बहुत है आपके ऊपर, इनकी मानसिक दबाव आपके ऊपर बहुत है और आप में कहीं ना कहीं एक मानसिक अशांति, एंजाइटी बनी हुई है। तो लॉर्ड शिवा का जो आपके लिए गिफ्ट है वो यही है कि आपकी सिचुएशन से निकाल कर वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे पीस में लेके जा रहे हैं जिससे कि आप स्टेबल हो सकें, जिससे कि आप सिक्योर महसूस कर सकें अपनी लाइफ में अपने आप को और कहीं ना कहीं आप पीस को चूज कर सकें। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है और आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। आपको कहीं ना कहीं मदर नेचर से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यानी कि मदर अर्थ से आप कनेक्ट होइए, आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए। जो कुछ भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको स्टेबल या बैलेंस कर सकती हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। बेस चक्र का यहाँ पर मैसेज है, चूज ऑनली पॉजिटिव थॉट टू डिस्क्राइब योर होम कैरियर एंड फाइनेंसिस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। तो अगर आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ऐसी बातें सोचते थे कि लाइफ में आप सोचते रहते हैं या अभी भी सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता या जो भी सिचुएशन में बुरे से बुरा हो सकता है आप सोचते हैं, तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आप पॉजिटिव थॉट्स को ही चूज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें
जो कि आपकी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी किसी ऐसी परेशानी का, ऐसी सिचुएशन का वो अंत कर रहे हैं जहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेसिफिकली ये आपके फाइनेंसिस हैं, आपका होम है, आपका कैरियर है, तो अपने लिए ये सेल्फ प्रोफेसिस जो हैं उनको करना बंद कीजिए। इनकी अपने आप को बार बार कट्स करना बंद कीजिए, अपने आप को अकेले में रखना बंद कीजिए, अपनी सिचुएशन का बुरे से बुरा सोचना बंद कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं जो लॉर्ड शिवा है वो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। Be willing to forgive, ask the angels to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. मैंने तो आपसे कहा ही है कि आपको पीस की तरफ लेके जा रहे हैं लॉर्ड शिव, और यहाँ पर आप भी विलिंग हो जाइए उस इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो कि आपको दर्द देती है, जो कि आपको परेशान करती है, क्योंकि लॉर्ड शिव यहाँ पे चाहते हैं आप उन लोगों के साथ में या उन एनर्जीज के साथ में किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखें जो कि आपके पास्ट से आती हैं और जो कि आपको पेन देती हैं। आपको सिर्फ उन लोगों को माफ़ करना है, अपनी लाइफ से जाने देना है, ताकि आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट हो सके, एक हैप्पीनेस क्रिएट हो सके। क्योंकि जब तक आप पुरानी बातों को सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में ये पीस कैसे आएगा, ये हैप्पीनेस कैसे आएगी, ये ग्राउंडेड आप कैसे होंगे, क्योंकि इस वाली एनर्जी से आप हमेशा अपने होम के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपनी फाइनेंसिस के बारे में आप हमेशा बुरा ही सोचेंगे और बुरा ही बोलेंगे। तो लॉर्ड शिवा आपसे चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए चेंज हो रही है। आपको लाइफ के पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करना है, क्योंकि आपको लॉर्ड शिवा वही करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मेडिटेशन का। अपनी एनर्जीज को फोकस करने की जरूरत रहेगी आपको इस मंथ में, तो अपनी एनर्जी को फोकस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आ सकें और उनके ऊपर कायम रह सकें। अपने अंतर मन में आपको लॉर्ड शिवा से जुड़ने की जरूरत है, डिवाइन से जुड़ने की जरूरत है, उससे ब्लेसिंग्स लेने की जरूरत है, और अपनी अपने आप को कहीं ना कहीं शांत करने की जरूरत है जो भी लाइफ में चीजें चल रही हैं। क्योंकि नाइन ऑफ एयर का कार्ड बताता है जब आप अपने बारे में इतनी बुरी बातें सोच लेते हैं कि खुद को पेन देते रहते हैं, तो आपको ये पेन खुद को नहीं देना है। लॉर्ड शिवा नहीं चाहते कि आप खुद को ये पेन दें। इस वाली पेन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। मैं तो आपसे कह ही रही थी कि कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट कीजिए, लॉर्ड शिवा भी आपसे यही चाहते हैं। जब आप नाइन ऑफ एयर की एनर्जी में रहते हैं, इनकी नाइन ऑफ सोर्ड कार्ड की एनर्जी में रहते हैं और खुद के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं और बुरा ही आप महसूस करते हैं, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो कहीं ना कहीं वैसे नहीं हो पाता जैसे उसको होना चाहिए। या तो वो बहुत अच्छा होता है या फिर वो आपके लिए आपके हिसाब से तो नहीं होता लेकिन फिर भी होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लॉर्ड शिवा कह भी रहे हैं कि आप अपने होम, कैरियर और फाइनेंसिस के बारे में पॉजिटिव थॉट ही रखिए ताकि आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट हो जाएं। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपको यही गिफ्ट दे रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके लिए ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बदल रही हैं। तो जब ये चीजें आपके लिए बदल रही हैं तो आपको भी थोड़ा सा बदलना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके और आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकें। आपको अपने फेमिनाइन एनर्जीज को भी बैलेंस करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि नेचर के साथ अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट होंगे तो आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी और आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे। तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं वो आप कर सकते हैं, आप किसी साउंड पे कर सकते हैं, रेन के साउंड पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चिड़ियों की आवाज़ पे कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिटेशन उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, आप कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे हिंदी इंग्लिश में आप उसमें मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। अपनी जो आपको फेमिनाइन के साथ साथ अपनी मस्कुलिन एनर्जीज को भी बैलेंस रखना होगा। आपके लिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, यानी कि अपनी शक्तियों को आपको इकट्ठा जरूर करना चाहिए। इसलिए भी यहाँ पर कार्ड है आपके लिए मेडिटेशन का, क्योंकि ये कार्ड भी बताता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई इस तरह का इफेक्ट आएगा तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में वो उतनी बैलेंस नहीं रही हों कभी भी आपकी रिलेशनशिप में जितना उनको होना चाहिए था, तो वो सारे इफेक्ट जो हैं अपने ऊपर नहीं लेकर आइए। अपने आप को बैलेंस कीजिए, उन सारे पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए जो कि आपकी लाइफ में अननेसेसरी मैनिफेस्ट हो रहे हैं किसी भी वजह से, उनको आप मैनिफेस्ट होने से रोक पाएंगे। अपने जो फादर हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं या सन हैं उनके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, उनको कुछ मामलों में माफ कर पाएंगे, तो आपके लिए चीजें अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी, अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको किस तरह से उन सब चीज़ों को बैलेंस करना है ताकि आपके लिए सिचुएशन चेंज हो सके। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, आप अपनी सिचुएशन को बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि अपनी जो भी सिचुएशन है उसको बहुत ही क्लियरली देखने की जरूरत रहेगी। इसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपके सामने जो भी आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, आप अपनी फिजिकल आई साइट से जो देख रहे हैं, अपनी आंखों से जो देख रहे हैं और अपनी मन की आंखों से जो देख रहे हैं, ये दोनों ही चीजें आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर सकें, आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकें और आपको
कोई भी क्लियर डिसीजंस लेने में मदद कर सकें, क्योंकि आप अपनी सारी सिचुएशन को एक्यूरेटली देखेंगे। इसलिए जब आपको कोई ऐसी इंट्यूशन हो कि आपको कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, आपके लिए सिचुएशन वहाँ पे कोई जगह बदल रही हो, कोई जॉब बदल रही हो, कोई शहर बदल रहा हो, जो कुछ भी बदल रहा हो उसको बदलने के लिए तैयार रहिएगा। ट्रस्ट रखिएगा कि आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आप जो जब भी सिचुएशन आपकी चेंज होगी तो आप अपनी सारी सिचुएशन को बिल्कुल क्लियरली ही देख पाएंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिवाइन जो है गाइड करेगा और आपको क्लियर विजन्स देगा इन सब चीज़ों के लिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो आपको जो एक्शंस लेने हैं वो आपको लेने ही होंगे। इसलिए लॉर्ड शिवा चाहते हैं कि आप अपने जो एक्शंस लेने हैं उनको जरूर लीजिए, ताकि ये सारे जो एक्शंस हैं इनको लेकर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। तो जो बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आपको वो सब नहीं बोलना है, अपने आप को उस सेल्फ फुलफिलिंग जो प्रोफेसी होती है अपने बारे में बुरा बोलने की, वो नहीं करना है। कहीं ना कहीं एक जो एंजाइटी होती है उसको नहीं लाना है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना है, अपने लिए अच्छे वर्ड्स चूज करने हैं, आपको फॉरगिव करना है। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तभी आपकी सिचुएशन चेंज होगी। इसलिए आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए। सरेंडर कम्प्लीटली का मैसेज है के लिए, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए लॉर्ड शिवा को, और कहीं ना कहीं अपनी जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं, अपनी जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सरेंडर ही आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट होने देगा या करेगा जिससे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी या आप किसी ऐसी जगह से निकल पाएंगे जहां पे आप पिछले काफी समय से स्टक हैं। और सरेंडर कंप्लीटली का मतलब यही है कि सिचुएशन में अगर कुछ आप बुरा भी देख पा रहे हैं कि बुरा हो रहा है, तो यकीन मानिए कि वो भी आपके लिए अच्छा है। कभी कभी जो हमारी ब्लेसिंग हैं वो कभी कभी हमारे लिए ऐसी सिचुएशन के बाद में आती हैं, जैसे कि एक तूफान होता है वो उठता है और जब शांति आती है, ये कुछ वैसी ही हो सकती है आपके लिए। लेकिन ये आपके लिए चेंज जरूर हो रही है, क्योंकि जो भी तूफान अभी तक आपके उठे हुए हैं उनके बाद जो अब समय है आपके लिए ब्लेसिंग्स का ही है। इसलिए जो काम आपको करने हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स, ये गिफ्ट्स, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी सिचुएशन में काम में आ सकते हैं इस आने वाले मंथ में। लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम पाइल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि लॉर्ड शिवा के क्या ब्लेसिंग, गाइडेंस, मैसेजेस और गिफ्ट्स हैं आपके लिए इस आने वाले मंथ के लिए। लॉर्ड शिवा आप पाइल भी वालों को यहाँ पर क्या गिफ्ट दे रहे हैं आने वाले मंथ के लिए, क्या ब्लेस कर रहे हैं आने वाले मंथ के लिए। ईगो का मैसेज है आपके लिए पहला। शिवा आपको जो पहली ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जिन भी चीज़ों पे आपका फोकस ओवर हो गया था उन चीज़ों से आपका हटेगा, लाइफ की उन रियल चीज़ों पे आपका फोकस होगा, यानी कि ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ में आप काम करेंगे, और जो भी चीज़ें आपके अंदर एक नेगेटिविटी, एक फियर क्रिएट कर रही थी उन चीज़ों को आप जाने देंगे, यानी कि लाइफ की रियलिटीज़ को आप देखेंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड पर फोकस कर रहे थे, अपने पास्ट पर फोकस कर रहे थे, पास्ट की एनर्जीज पर फोकस कर रहे थे, तो उन चीज़ों से आपका जो फोकस है हटेगा, कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस में आएंगे। और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपका। कुछ लोगों के लिए उनका ईगो भी हो सकता है, जो कि लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए खत्म होंगी और आप रियल जो सेंस है आपका उसको आप महसूस कर पाएंगे, आपकी जो रियलिटीज़ हैं उनको महसूस कर पाएंगे, और जो अभी तक भी आप नहीं सोच पा रहे थे अपने जीवन को लेकर वो आप सोच पाएंगे। द वर्ल्ड का कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इसकी। अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेनमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, द पार्ट टुवर्ड एनलाइटनमेंट। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये आपके लिए। ये कार्ड बात करता है आपकी लाइफ में कुछ लाइफ के लेसन्स कंप्लीट होने की, कुछ लर्निंग्स आपको मिलने की, यानी कि आप, जैसे कि मैंने आपसे इस कार्ड के जरिए कहा कि आप उस नेगेटिव या फियर बेस्ड एनर्जी से बाहर निकल कर आएंगे और अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे। आपके लिए सिचुएशंस चेंज होंगी जो कि आपकी लाइफ में जॉय लेकर आएंगी, एक संतुष्टि लेकर आएंगी, और आप भी ज़्यादा डिवाइन के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करेंगे। तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रही हैं कि जैसे वो आपका जो फेथ है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं आने वाले समय में, और आपकी लाइफ में उन चीज़ों को पूरा करने वाले हैं जो कि अब तक आपको लगता था कि पूरी नहीं हो सकती, या फिर आप उन चीज़ों को पूरे होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे। तो ये सब चीज़ें आपके जो पर्दे हैं आपके हटेंगे, और कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है और डिवाइन कहीं ना कहीं अपने आप से आपको एक स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर रहा है। फोर ऑफ फायर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। दूसरा कार्ड है आपके लिए कंटेनमेंट का, पीस का और अबेंडेंस का। ये दोनों ही कार्ड बात करते हैं आपके लिए खुशियों की, आपके लिए सेलिब्रेशन की, और आपकी लाइफ में किसी न किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की। आप अपनी एनर्जीज पे फोकस कर पाएंगे, आप अपने ईगो सेल्फ से निकलकर अपने रियल सेल्फ पे फोकस कर पाएंगे। जो बातें, जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आप उनको पीछे छोड़ेंगे इस महीने में। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरह से आपको अपने रियल
रियल सेल्फ के साथ में कनेक्ट होना है। अब तक शायद आप अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचते रहे हैं जो कि आपके अंदर एक ईगो क्रिएट करता था। इसमें कोई बुराई नहीं, इंसान है, सब में हो जाता है, पॉजिटिवली ही लीजिएगा इसको। यह आपकी लाइफ का एक पॉजिटिव चेंज है जो कि आपके फॉल्स जो सेल्फ है आपका उससे निकाल के आपके रियल सेल्फ में आपको डालेगा और आपको जीवन की जो हकीकत है, रियलिटीज हैं, उनसे आपको जोड़ेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है जो कि लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको रियल सेल्फ के साथ में वो आपके जोड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आने वाले टाइम में आप एक ग्रोथ महसूस कर पाएंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे और उसमें एक हैप्पीनेस महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि जैसे लॉर्ड शिवा ना आपकी जो अंदर की एनर्जीज हैं उनसे आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी एनर्जीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्चेंजल माइकल का कार्ड है, आर्चेंजल जोफेल का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये मंथ बड़ा रहने वाला है क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है यहाँ पर। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, आपको अपना रियल सेल्फ ऐसे भी पता चलेगा जब आपको अपना पर्पस समझ में आएगा, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए किसी न किसी चीज के कंप्लीट होने की बात करता है, आपकी लाइफ में किसी लेसन के कंप्लीट होने की बात करता है। आप कुछ ना कुछ लर्न करने वाले हैं, ये मंथ बड़ा रहेगा आपके लिए जो कि आपको बताएगा कि आप रियल में किस लिए आए हैं इस दुनिया में, आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है, या फिर आपको अगर पता भी है तो आप कहीं ना कहीं उस पर कदम उठाएंगे और उस पर कदम उठा के अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे। आप में से हो सकता है कुछ लोग हीलर हों, कुछ लोग स्पिरिचुअली अपने आप पे काम करते हों, कुछ लोग टीचर हों, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग प्रोफेसर भी हो सकते हैं, लेक्चरर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सिखाते हों, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने का समय है, आप खुद भी कुछ ना कुछ और लोगों को भी कुछ ना कुछ सिखाइए। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जो कि आपको बताएंगी कि आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए नया यूट्यूब चैनल भी खोल लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे कार्ड है, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। ये होगा ही जब आप अपने ईगो सेल्फ से बाहर निकलेंगे और अपने रियल सेल्फ के साथ में जुड़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि अभी तक आप क्या खो रहे थे और लॉर्ड शिवा आपको आपके उस योगी साइड से, जैसे ना किसी को योगी साइड से जोड़ने की कोशिश करेंगे लॉर्ड शिवा, और उसकी रियल एनर्जीज के साथ में उसका फोकस करवाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारी रियलिटीज क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसलिए भी ना अब अगर आप अपने पे कुछ भी काम करते हैं, आपको वो लोग पसंद नहीं आएंगे, आपको वो माहौल पसंद नहीं आएगा और आप एनर्जीज के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, आप एक्चुअली अपने आप पर काम कर पाएंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए कि आप उस शिव और शक्ति को बैलेंस कर पाएंगे जिसके लिए लोग बहुत तरसते हैं और अपने अंदर कहीं ना कहीं उन एनर्जीज को चेंज भी कर पाएंगे। ड्रीम्स का यहाँ पे मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये रियल ड्रीम्स हो सकते हैं आपके जो कि आपको पूरे करने चाहिए, और कुछ लोगों के लिए आपको ड्रीम्स देखने चाहिए तभी वो पूरे होते हैं। आपके सपने पूरे होने का समय रहेगा, यानी कि इस मंथ में लॉर्ड शिवा आपके कुछ सपने भी पूरे कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब आपके ये सपने पूरे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सीरेनिटी का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और लॉर्ड शिवा आपको उसे ब्लेस भी कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपका पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रहने वाला है। और आपको यही कोशिश करनी चाहिए इस मंथ में आने वाले समय में कि आप अपनी लाइफ में किसी भी ड्रामा को नहीं चूज करें, किसी भी ईगो सेल्फ को नहीं चूज करें, आप वो चूज करें जो कि आपके अंदर एक शांति लाता हो। यानी कि ये शांति आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ को चेंज होना है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, वो भी बड़ा। ये बड़ा कैसा भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, या किसी ऐसी चीज की नींव हो सकती है जो कि आप इस आने वाले मंथ में रखें या फिर रखने की सोच रहे हो। ये जो कुछ भी है आपके लिए बड़ा है, इसलिए आपको उतनी ही सावधानी बरतनी होगी जितना कि आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज को अपने प्रोटेक्ट करने में बरतनी चाहिए। आप सेंसिटिव रहेंगे एनर्जीज के लिए, अवेयर भी रहेंगे, आपको अपने आप ही आभास हो जाया करेंगे। मेडिटेट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं जो आपका रियल सेल्फ है वो तभी बाहर भी आ पाएगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी शक्तियों को इकट्ठा करेंगे और अपनी रियल सेल्फ को देखने की कोशिश खुद भी करेंगे। यानी कि लॉर्ड शिवा तो यहाँ चाहते हैं कि आप देखें और वो आपको दिखाएंगे भी, लेकिन सिर्फ वो दिखा सकते हैं। जो मेडिटेशन में बैठना है वो आपको ही बैठना होगा, जो कुछ समझनी है बातें वो आपको ही समझनी होंगी, इनके जो काम अपने पे करने हैं वो तो खुद ही करने होंगे। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे मैसेज है, कार्ड बताता है आपको कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जिनको आप बाहर निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं ना निकाल पाने के कारण आप एक रेस्टलेसनेस महसूस करते हैं। ये आपका रियल सेल्फ है जो कि आपको अपनाना चाहिए। आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेंट कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप कोई म्यूजिक
को बना सकते हैं, गा सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, जो भी चीज़ें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई हैं। आप कोई DIY कर सकते हैं, आप कोई ज्वेलरी बना सकते हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपकी कला को निखारता हो, आपके अंदर के गुणों को उभारता हो, वो आपको उभारने की ज़रूरत है। उसके लिए आप वर्कशॉप और सेमिनार्स भी ले सकते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में एक जो ग्रोथ होनी है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही होनी है जब आप अपने जो भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हैं उनको उभारेंगे और उनको सुनने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आप, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको YouTube चैनल भी खोल लें, नहीं तो आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व यहाँ पर जरूर होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर आपके लिए लॉर्ड शिवा की। एक्सपेक्ट मिरेकल्स जब आप अपने पे काम करेंगे, जब आप अपने लिए चूज करेंगे पीस को, जब आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहेंगे, जब आप अपने लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन चीज़ों को करेंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कीजिएगा मिरेकल। यानी कि आपके लिए मिरेकल्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन ये तभी हो पाएंगे जब आप अपने पे काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक हम कर्मास नहीं करेंगे तो लॉर्ड भी हमें कहाँ से देंगे, ईश्वर भी हमें कहाँ से देगा, यूनिवर्स भी हमें कहाँ से देगा। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कह रहा है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव, उसके लिए आपको एक्शंस लेने ही चाहिए। यानी कि आने वाले मंथ का इंतजार नहीं कीजिए, जो कुछ आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए, और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल टाइम है, हैप्पीनेस है, शांति है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ जो प्रयास आपको करने हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। आपके ही ख्वाब पूरे होने हैं, आपकी यही चीज़ें होनी है, तो इतना तो जरूर बनता ही बनता है। देखिएगा कि लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स, ये गिफ्ट, ये मैसेजेस, ये गाइडेंस किस तरह से आने वाले मंथ में आपके लिए काम में आ सकती है। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा और ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गिफ्ट दे रहे हैं, क्या मैसेजेस और गाइडेंस है आप लोगों के लिए आने वाले मंथ के लिए। तो लॉर्ड शिवा आप पायलसी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक ऐसा चेंज होगा जिसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और जैसे ही आपका ध्यान जाएगा आप उसमें एक केयरफुल अप्रोच करेंगे ही करेंगे, यानी कि कुछ एक्शंस लेंगे। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें चेंज होंगी उनमें आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपनी ग्रोथ ही करना चाहेंगे। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, उत्साह और एनर्जी से भरे हुए रहने वाले हैं। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जिसे आप चेंज करना चाहेंगे, जिसमें आप अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे, और आप कोई ना कोई एक्शंस जरूर लेना चाहेंगे। क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपके लिए एक्शंस लेने की, आप कोई ना कोई एक्शंस जरूर लेंगे यहाँ पर। और ये जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में सडन होगा, लॉर्ड शिवा का जो मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि इसमें आप एकदम से ही एक्शन लेंगे और बहुत ही केयरफुल अप्रोच भी करेंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह और एनर्जी के साथ में आप करेंगे काम। यहाँ पर अगर आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं डाउन भी अगर हो रही होंगी, वो कहीं ना कहीं अप हो जाएंगी। बैलेंस का मैसेज है, आर्चेंजेड केल का मैसेज है। द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चीज़ें आपके लिए अचानक ऐसी होंगी जो कि चेंज हो जाएंगी, आपके लिए एनर्जी और उत्साह से भरी हुई, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में वो बैलेंस दे रहे हैं लॉर्ड शिवा आपको, वो गिफ्ट कर रहे हैं बैलेंस का, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदले, कुछ ना कुछ चेंज हो, और आपकी लाइफ में कोई जो रुकी हुई जगह पर आप हैं वहाँ से आप आगे बढ़ सकें, यानी कि अपनी यात्रा पर आप आगे बढ़ सकें। उसके लिए लॉर्ड शिवा आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आने वाले समय के लिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी आएगा। आपके मन में जैसे शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा अशांत हैं आप अंदर से, तो वो शांति भी आपके जीवन में आएगी, वो पीस भी आपके जीवन में आएगा, और वो कहीं ना कहीं बैलेंस भी आपके जीवन में आएगा, जिससे एक जो रेस्टलेस आपके अंदर हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है आपके अंदर, उसमें कहीं ना कहीं आपको आराम भी लगेगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड की। द ड्रीमर का कार्ड है, आर्चेंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बिगनिंग कर रहे हैं, किसी ना किसी फील्ड में कुछ बदल रहे हैं वो आपकी लाइफ में, और आपके अच्छे के लिए बदल रहे हैं। कार्ड जो है आपके लिए एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, क्योंकि दोनों ही कार्ड जो है वो मेजर अरकाना के हैं। तो ये मत आपके लिए बड़े चेंजेस से भरा हुआ रहेगा, चाहे आप अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो और उसमें आप शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप कोई कमिटमेंट दे रहे हो किसी को, चाहे आपकी
आपकी पढ़ाई का फील्ड हो, चाहे आपके कोई कैरियर का फील्ड हो, इनके जिस भी काम को आप करना चाहते हैं ये सडन होगा और अचानक ही आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप रुके हुए हैं, वहां से आप आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे बढ़ के अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहेंगे। अब ये ड्रीम्स आपके कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन ये ड्रीम्स आप जरूर पूरे करना चाहेंगे और आपके वो ड्रीम्स पूरे होंगे भी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है ये लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए। तो जरूर से एक्सेप्ट कीजिएगा, और जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आती है, ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं अचानक, इनको जरूर ग्रैब कीजिएगा। गॉडेस का यहाँ पर मैसेज है, तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी इंट्यूशंस के साथ में जरूर कनेक्ट होना चाहिए, अपने उस जो नर्चर करने वाला आपकी एनर्जीज हैं उनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आप खुद की लाइफ में बैलेंस लेकर आ सके। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, या फिर आप भविष्य को लेकर, अगर आप भविष्य को लेकर या अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर, या अपनी जॉब को लेकर, अपने घर को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपको कनेक्ट होना चाहिए मदर अर्थ के साथ में, और आपको शिव के साथ साथ शक्ति को भी जरूर पूछना चाहिए और कहीं ना कहीं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में वो बैलेंस लाया जाए और आपकी शक्तियों को कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, क्योंकि कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, आपके एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं, आपके विश्वास को जैसे और भी पक्का किया जाएगा इस आने वाले मंथ में, और वो विश्वास आपके जीवन में कोई ना कोई नई नींव रखेगा और भगवान शिव में आपकी आस्था और भी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो कि आपकी लाइफ में एक बड़े परिवर्तन लाएंगे, और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये चीजें अचानक कैसे हो गई। यू आर प्रोफाउंडली क्लेयरवॉयंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड आई एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प यू विद हीलिंग टीचिंग एंड गाइडेंस। तो यहाँ पर आप जो कुछ भी देखेंगे, चाहे आप अपने लिए स्पिरिचुअली देखें, चाहे आप अपनी आंखों से देखें, आप अपने जीवन में सब कुछ अपने लिए बदलता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने। तो जब ये चीजें आपके लिए बदलेंगी आपके अच्छे के लिए, आप खुद ही अपनी लाइफ में इन सब चीजों पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आपका ट्रस्ट कहीं पर भी डगमगाता है, या फिर आपको लगता है कि चीजें आपके लिए नहीं बदल रही, उसी पल में वो आपके लिए बदल जाएंगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैलेंस इस तरह का आएगा जब आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा। डिवाइन गाइडेंस का यहाँ पर मैसेज है, आपको डिवाइनली गाइडेड किया जाएगा। यानी कि उस टाइम पीरियड में जब ये सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, तो या तो आपको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे, और हो सकता है आपको अभी भी दिखाई दे रहे हों, और कहीं ना कहीं आपको ना साइन मिलने शुरू हो जाएंगे, वो एक एनर्जीज आपकी जो है वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके अंदर कहीं ना ये एहसास आना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो रहा है और कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके पाइल की, और कुछ ना कुछ शुरुआत होने की बात कर रही हैं लाइफ में, तो जरूर आपको इन एनर्जीज का यूज करना चाहिए। नेचर का यहाँ पर मैसेज है, और गॉडेस के कार्ड में भी आपके लिए नर्चर का यहाँ पे मैसेज है। नेचर के साथ कनेक्ट हुई है, जैसे कि मैं कह रही थी मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हुई है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज जिन पे काम करना है वो नहीं कर रहे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम नहीं कर रहे, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको वो वक्त नहीं मिलेगा जब आप ये सब कर पाए, और आपके लिए ये करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप अपना कुछ वेट लूज करना चाहते हैं, आप अपनी स्किन की कोई केयर करना चाहते हैं, आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन हो जो अचानक हो, और जब अचानक कोई सिचुएशन चेंज होती है तो हमें कुछ चीज़ों का कभी कभी वक्त नहीं मिलता है, तो ये वक्त आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अभी से एक बैलेंस आपको क्रिएट करना शुरू कर देना चाहिए, और जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करेंगे, ये ब्लेसिंग्स, ये गाइडेंस, ये गिफ्ट्स आपको तभी मिल पाएंगे, आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाएंगे, जब आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में आना शुरू करेंगे। और जैसे ही आप अपने आप पर काम करना शुरू करेंगे इस बात को सोचकर कि हाँ मेरी लाइफ में बदलाव आ रहा है या आने वाला है, तो अपने आप ही आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी जो एनर्जीज हैं ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले उसके लिए आपके मन में ये बात तो हो कि हाँ ये चेंजेस जो है मेरी लाइफ में आ रहे हैं। फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ का यहाँ पे मैसेज है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। आपके अंदर वो इनर पावर है, जब आप अपने आप को अपने आप पर फोकस करके आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर ही है, क्योंकि अगर आप इन कार्ड्स को देखेंगे भी तो ये कार्ड आपकी जो अंदर की पावर है, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, आपका जो आपके अंदर जो उत्साह है, उन सबको बैलेंस करने की बात करती है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर तब तक समझना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या क्या नहीं कर सकते। यानी कि आप अपनी उन शक्तियों को बढ़ा सकते हैं जो कि आप कर सकते हैं, और उन कमियों पे काम कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते।
मदर वाइफ सिस्टर और डॉटर का यहाँ पर मैसेज है, जैसे कि आपके लिए गॉडेस का यहाँ पे मैसेज आया ही है। इस टाइम पीरियड में आपको लॉर्ड शिवा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपकी मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो उनसे, और अगर नहीं है किसी लेवल पे तो आपको नर्चर करने चाहिए, यानी कि आपकी जो आपकी लाइफ में जो भी आपकी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, खुद की फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना चाहिए, और अगर आपके घर में कोई महिला है उनके साथ भी आपको संबंधों को ठीक करना चाहिए, यानी कि अपनी शक्तियों को आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना हमेशा अधूरे होते हैं, शिव और शक्ति हमेशा एक साथ ही होते हैं। अगर आप लॉर्ड शिवा का ये गाइडेंस वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे गॉडेस अपियर है, मदर वाइफ सिस्टर और डॉटर अपियर है, इसका यही एक मतलब है कि आपको अपनी शक्ति को भी बैलेंस करने की जरूरत रहेगी, और बैलेंस का कार्ड आपके लिए पहले ही आया है, तो इसलिए जरूर देखिएगा कि आप किस तरह से सबके साथ संबंध अच्छे रख सकते हैं या एक बैलेंस उनमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए नेचर के भी दो कार्ड आए हैं और मदर अर्थ भी जो है नेचर से ही रिलेटेड है, तो ये फेमिनाइन एनर्जीज बहुत हावी रहेंगी आप पे, और हो सकता है कि किसी फीमेल से भी आपको कोई ना कोई प्रॉफिट हो यहाँ पर, या फिर कोई फीमेल आपको कोई ना कोई यहाँ पर इस तरह से हेल्प कर सके जिससे आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो सके। समथिंग इज अबाउट टू हैव अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने के लिए जरूरी है कि आप उन कमियों पर भी काम करें जो कि आपको कहीं ना कहीं एक डाउन एनर्जीज के अंदर डालती हैं और आपकी नेगेटिव साइड को उभारती हैं, यानी कि इस ये जो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो चेंज लाएंगी ना, इनसे अपने अंदर एक एग्रेशन नहीं लेकर आइएगा, क्योंकि जब हमारी लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं तो वो हमें ऐसे एग्रेशन में ले जाती हैं या फिर हमें इतना उत्साही कर देती हैं कि हम उसमें किसी को कुछ भी कह रहे हैं या बोल रहे हैं, उससे चीज़ें ना और भी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। आप लाइफ में आगे बढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाइफ में आगे बढ़ने पर या आपके ग्रोथ होने पर आप सभी लोगों को या कुछ लोगों को आप गलत उनके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं या आप उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, तो आपको अपने वर्ड्स पे अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं अपनी एग्रेसिवनेस से, इसलिए आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके ही चलना होगा। डील विथ योर डार्क साइड, तो यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको अपनी शक्तियों के साथ साथ अपनी कमियों पर भी फोकस करना होगा, तो यहाँ पर आपको इन चीजों को दूर करने की प्रेयर करनी चाहिए जो कि आपके अंदर एक एग्रेशन लाती है, आपके अंदर एक ईगो लाती है, और आपके कहीं ना कहीं ये डार्क साइड है, ये आपके कुछ फियर्स हैं जो कि उभरेंगे आने वाले समय में। अगर आपको लगता है कि आपकी मदर हैं, वाइफ हैं, सिस्टर या डॉटर हैं, कोई भी ऐसा इंसान है जिसे आपसे या तो ज़्यादा नॉलेज है या फिर आपसे ज़्यादा वो संभल के इंसान काम कर सकता है, तो इसमें आपको गुस्सा होने के बजाय या फिर एग्रेशन दिखाने के बजाय आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर शिव बैलेंस में होगा और शक्ति नहीं होगी तो कैसे चलेगा। अगर आपकी शक्ति बैलेंस में है और शिव तत्व को आप बैलेंस कर लेते हैं, यानी कि अपने पार्टनर के साथ में आप सब चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, अपनी मदर वाइफ सिस्टर डॉटर के साथ में सब चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं, तो आपकी जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में रहेंगी, तो इन सबको बैलेंस करने का काम आपका ही रहेगा। आपके जो फियर्स हैं या आपकी लाइफ की जो डार्क साइड है उसको भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना होगा इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से पहले। तो जरूर देखिएगा कि आप लॉर्ड शिवा की ये ब्लेसिंग्स, ये गिफ्ट्स, ये मैसेजेस किस तरह से रिसीव कर पाते हैं और अपनी लाइफ में इनको रिसीव करके कैसे चेंज कर पाते हैं, क्योंकि ये तभी मैनिफेस्ट होंगे जब आप चेंजेस करेंगे। आपका ये मन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा, ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओम नमः शिवाय।